हम दोनों बहनें आज कुछ कर रही हैं साथ। अच्छा, कुलु अल्लाह लिख रही है। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए। तो आज हो गई है जी कल, ये जो मैंने काम मैंने कर लिया है अपना मुकम्मल। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल हसन सिस्टर्स। तो हम दोनों बहनें आज कुछ कर रही हैं। सामिया ने आज बहुत दिन बाद अपनी कैलीग्राफी दोबारा से स्टार्ट की है मेरे बहुत इसरार करने पर। तो देखें, ये कैलीग्राफी कर रही हैं। ये कैलीग्राफी करना जानती है, लेकिन काफ़ी दिनों से इन्होंने अपनी कैलीग्राफी जो है रोक दी थी, आज इन्होंने शुरू की है। तो ये क्या लिख रही हो सामी? खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा, कुलू अल्लाह लिख रही है। तो इन्हें लिखने देते हैं। और यहाँ इन्होंने अपना स्टफ़ निकाला हुआ है, जो जो ये चीज़ें यूज़ करती हैं इसके अंदर, वो चीज़ें इधर ही निकाली। और हाँ, मैंने आज एक चीज़ बनाई थी, वो देखें, ये था वो। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेना कैसे मैंने इसको बनाया है। और साथ साथ ये देखिए, छोटा सा आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, मैंने कहा तो शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये देखें, इस तरह कुछ भी रख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए खेलने कूदने का मज़ेदार छोटा सा। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, तो अपने मैंने ट्राई कर लिया। और ये तो एक प्यारा सा फेस है, एकदम सन टाइप का मैंने बनाया है इसको, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे दोनों। तो मैंने सोचा चलिए, मेरे पास ग्लास रखे हुए हैं तो क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए उसको। और इस तरह मैंने करते हैं, इससे भी काफ़ी पहले की और भी हैं, लेकिन मैं ये वाली दिखा देती हूँ आपको बस। ये देखिए, इन्होंने लिखा था सैयद मोहम्मद उमर, और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, हैंडल अगर आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूज़र नेम है हसन सिस्टर 25। वहाँ से आप इनकी कैलीग्राफी देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी कैलीग्राफीज़ बनाई हुई हैं। इसमें अलविदा जुमा मुबारक लिखा है, और जी यहाँ लिखा है अम्मी पापा। और दिखाती हूँ एक एक करके सारी चीज़ें, देखें सैयद तलहा लिखा हुआ है इधर, और इधर लिखा है जी सुभान अल्लाह। एक अलग डिफरेंट स्टाइल में कैलीग्राफी जो होती है, मैं सोच रही हूँ कि इन सब को मैं फ्रेम करूँ, खुद से फ्रेम करूँ। तो देखते हैं मैं कैसे फ्रेम बनाऊँ। मैं वही देख रही थी कि फ्रेम कैसे बनाया जाता है, तो मुझे अभी नहीं बन पाया। मुझे वो दोनों आ गए थे मेरे सामने, तो मैंने सोचा चलिए उन पर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ग्लास बिल्कुल मेरे सामने पड़े थे, तो मैंने सबसे पहले उन्हें ट्राई कर लिया। और फिर बस मैं उन्हें भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, फ्रेम बनाऊंगी, और ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनको एक एक करके फ्रेम के अंदर सेट करूंगी कि किस तरह से, और फिर इनको वॉल पे लगाएंगे ना, बहुत अच्छी लगेंगी ये लगी हुई। जिस तरह हम बाहर से लेते हैं, ये भी वैसे ही हैं, तो हम अपने घर में बना कर देखेंगे एक दफ़ा कि कैसे बनती हैं। इंशाल्लाह अच्छी ही बनेंगी, कोशिश यही है कि अच्छी बने। देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में बनाती हैं ये। और आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ये फाइल कंप्लीट हो गई है, और सेकंड फेवरेट दूसरी मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। आज तो मेरे पास यही है, तो मैंने यही दिखा दी। इंशाल्लाह कि कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। ये बहुत पसंद है मुझे भी और सामिया को भी, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी इनको फ्रेम करने का। लेट्स सी कि मैं कैसे करती हूँ। चलो अब ये वाली भी दिखाते हैं, इसमें थोड़े से ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। किधर से स्टार्ट है ये? ये देखें, एक ये लिख रहा है, ये वाला अपलोड क्यों नहीं करा तुम? इंशाल्लाह अब आएगी ना वो 15 अगस्त, उसके ऊपर मैं इसको फ्रेम करके फिर लगाऊंगी, देख लेना इंशाल्लाह, बहुत प्यारा लगेगा। जश्न आज़ादी मुबारक हो। सामिया सोच रही है मुझे पढ़ना नहीं आता, बट ये इनकी गलत फहमी है, मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा आता है। एनीवेज़ ये वाला तो ये आज बना रही हैं, लेट्स सी कि कितनी देर में बना पाती हैं। फिर चलिए फिर इनको बनाने देते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ इधर से व्लॉग से दोबारा से अपनी, ये जो मैं कर रही थी काम प्रोसेस, मैंने आधा छोड़ दिया था, कहाँ भाग गया ये रहा। ये मैंने इतना ही लिखा है अभी तक, जो कि अभी सिर्फ अल्लाह लिखा है। यहाँ पर इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, और दरमियान में कुलू अल्लाह, मतलब
इधर तो पूरी सूरत होगी, इधर कुल वल्ला, इधर अल्लाह, वो आपको देखकर पता चल जाएगा। मैं फ़ोटो भी मेंशन कर दूंगी मैं जिसमें से देखकर बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग से नहीं बना रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉपी समथिंग। एंड इधर इल्म भी नमाज़ पढ़ रही हैं, उधर दादी कुछ हदीस वगैरह जो भी है वो पनसूरा वो पढ़ रही हैं। मैं नमाज से फारिग हो गई हूँ, सफाई भी कर ली है हमने सारी, तो बस। और भैया हमारे अम्मी को लेने गए हुए हैं, बाहर की सारी लाइट्स बंद हैं, भैया हमारे अम्मी को लेने गए हुए हैं, जल्दी से अम्मी भी आने वाली हैं, तो हमें अम्मी के आने की भी तैयारी करनी है, खाना वगैरह। तो जल्दी से मैं अपने इस काम से फारिग होती हूँ, और एक मम्मी आटा गूंद देंगी तो मैं रोटी बना दूंगी, फिर हम देखते हैं कि क्या करेंगे नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे हैं आप सब? तो आज हो गई है जी कल, ये जो मैंने कैलीग्राफी थी मतलब ये जो मैंने ब्लॉग था ये कल स्टार्ट किया था, मगर क्योंकि इस्माइल आ गए थे हमारे घर पर कल, हेलो इस्माइल आ गए थे हमारे घर कल, तो मैंने कैलीग्राफी को अपनी वहीं कर दिया था, कोई आया गेट पर, तो मैंने इसको वहीं एंड कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा था बाद में करेंगे, तो फिर अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो कल मैंने इतना लिख लिया था, और आज मुझे इधर का फ्रेम बनाना है, तो जल्दी से वो मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम मैंने अपना ये काम मैंने कर लिया है अपना मुकम्मल, और माशाल्लाह से, इधर आओ भाई, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन लुक आया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ दिनों से हम थोड़ा अलग कामों में बिज़ी थे, तो इस वजह से हम ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रहे थे। तो सोच रहे हैं अब अच्छे से अपने ब्लॉगिंग को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। मैंने एक ब्लॉग में मेंशन भी किया था लास्ट में एंडिंग पर कि अब इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में हम अपना बेस्ट देंगे। आपको कैसा लग रहा है आप बताना मत भूलिएगा कमेंट करके। और इसमें इतने से काम में मैंने कम से कम 7 से 8 दिन लगा दिए, वैसे तो ये 2 घंटे का काम था अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करती, मगर क्योंकि मुझे बार बार उठा लिया जाता है दूसरे कामों के लिए, तो बस मैंने इसको ऐसे ही बनाया है, रुक रुक कर कहीं कुछ कहीं कुछ। और मेरा खूबसूरत सा नाम भी इस पे मेंशन है जो कि मैं हर अपनी पोर्ट्रेट के नीचे लिखती हूँ। पोर्ट्रेट नहीं है ये, जो भी है ये सब तो आपने देख ही रखे हैं। सो दिस इज़ हाउ आई रॉट माई नेम एट दी एंड। तो चलते हैं फिर, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टार्ट हुआ हुआ है और तो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। देखते हैं मैं इसको कैसे कैसे एडिट करके इसको मेंटेन करती हूँ, अच्छे से आप लोगों के लिए पेश करती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।